हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ, आई एम गोइंग टू टीच यू द फर्स्ट लेसन बार्बर्स फिफ्थ ब्रदर ऑफ योर टेक्स्ट बुक. द नेम ऑफ दिस लेसन इज नाई के पांच भाई. 1001 नाइट्स इज ए कलेक्शन ऑफ वेस्ट एंड साउथ एशियन स्टोरीज. पश्चिमी और दक्षिणी एशिया की कहानियों का 1001 रात का कलेक्शन है, संग्रह है. कलेक्शन में संग्रह होता है. And folk tales compiled in Arabic during the Islamic Golden Age. और यह लोगों की कहानियाँ उस समय की हैं जब इस्लाम का सुनहरा युग चल रहा था. It is often known in English as the Arabian Nights. यह अरबियन नाइट्स के रूप में अंग्रेजी में प्रायः जाना जाता है. द स्टोरीज बिलोंग टू द कैलिफ एरा और द एरा ऑफ द रूल ऑफ द कैलिफ. तो कैलिफ के शासन के युग या कैलिफ के युग से यह कहानी संबंध रखती है. सर्फ द नेट एंड नेम ए फ्यू स्टोरीज फ्रॉम द अरबियन नाइट्स. अरबियन नाइट्स से कुछ कहानियाँ और उसके नाम यहाँ पर हम आपको समझाने जा रहे हैं. आल्सो फाइंड आउट हु द कैलिफ वाज, और यह भी पता लगाएं कि कैलिफ कौन था. द सुल्तान वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हियरिंग स्टोरीज. सुल्तान कहानियों के सुनने का बहुत ही शौकीन था. एंड एज ही कॉल्ड अपॉन द पीपल, और इसलिए वह लोगों से अपने समय के लोगों से कुछ कहानियाँ उसे बताने के लिए वह निवेदन करता था. कॉल्ड अपॉन मींस निवेदन करना. ए बार्बर केम अप विथ ए स्टोरी अबाउट हिज फिफ्थ ब्रदर. एक नाई अपने पांच भाइयों की कहानी के बारे में उसके पास आया. एज लॉन्ग एज आवर फादर लिव्ड, बहुत पहले हमारे पिताजी रहते थे. अलोंसर वॉज वेरी इडिल, उनका नाम अलोंसर था जो बहुत ही आलसी थे. इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर हिज ब्रेड, ब्रेड मींस होता है जीविका. अपनी जीविका के लिए काम करने के बजाय वह प्रत्येक शाम यह पता लगाने में जरा सा भी शर्माते नहीं थे और स्वयं अगले दिन उसकी मदद करते थे जो पिछली रात वह प्राप्त करते थे उसके बारे में हमेशा चिंतन करते थे. When our father died, जब हमारे पिताजी स्वर्गगामी हो गए, जब हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई, ही लेफ्ट ओनली 700 सिल्वर ट्रांचमस, तो वह केवल 700 चांदी की मुद्रा छोड़ गए. टू बी डिवाइडेड अमंगस्ट अस, हम लोगों के बीच में बांटने के लिए 700 चांदी की मुद्राएं वह छोड़ गए. तो उनके पास उतनी मुद्रा थी. जो प्रत्येक पुत्र को 100 मुद्रा मिलती. अलोंसर हैड नेवर पजेस्ड सो मच मनी,
एलाउंसर इतने अधिक धन पर को कभी प्राप्त नहीं किया था। इसने इतने अधिक धन उसके पास कभी था ही नहीं, इसलिए ही वॉज क्वाइट पजल्ड टू नो, इसलिए वह बिल्कुल यह जानने के लिए पजल्ड हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, परेशान हो गया कि व्हाट टू डू विथ इट, कि इस धन के साथ वह क्या करे, इस धन का प्रयोग वह किस तरह किस काम में करे, किस काम में लगाए, इसके लिए बड़ा चिंतित रहने लगा। आफ्टर रिफ्लेक्टिंग अपॉन द मैटर फॉर सम टाइम, कुछ समय तक इस मामले पर विचार करने के पश्चात ही डिसाइडेड टू ले इट आउट ऑन ग्लासेज, उन्होंने इसे कांचों से बनी हुई ग्लास बोतलों और उस प्रकार की तमाम वस्तुओं पर रखने का निश्चय किया एंड बिकम ए होल सेल मर्चेंट फॉर द सेम, और वह एक होल सेल विक्रेता बन गया। होल सेल मीन्स होता है इकट्ठा बिक्री करने वाला सामान। हैविंग बॉट हिज स्टॉक, अपने स्टॉक को खरीदने के पश्चात ही नेक्स्ट प्रोसीडेड टू लुक आउट फॉर ए स्मॉल शॉप इन ए गुड पोजीशन, तो वह एक अच्छी स्थिति में एक छोटी सी दुकान के लिए उसने अपना अगला कदम बढ़ाया एंड सैट एट द ओपन डोर, और वह एक खुले हुए दरवाजे पर बैठ गया। हिज वेयर्स piled up in an uncovered basket. Wares means तो उसकी अच्छी प्रोडक्ट, अच्छी क्या नाम उन्नति piled up in an uncovered basket इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने एक अधखुली टोकरी में रख दिया। वेटिंग फॉर ए कस्टमर, एक ग्राहक का इंतजार करते हुए एमंग द पासर्स बाई, उस रास्ते से गुजरने वाले कस्टमर के का इंतजार करते हुए एक खुली हुई टोकरी में उस सामान को रख दिया बेचने के लिए। यद्यपि ही वाज सिटिंग विथ हिज आईज फिक्स्ड ऑन द बास्केट, यद्यपि वह अपनी आंखों को टोकरी पर गड़ाए हुए बैठा था, ही वाज सिटिंग, वो बैठा था, देखने में लग रहा कंटिन्यूअस, लेकिन उठा बैठा पड़ा लेटा सोया यह सब देखने में कंटिन्यूअस लिखा जाता है पढ़ा जाता है, लेकिन अर्थ उसका परफेक्ट जैसा लगता है। इसे देखिए, ही वाज सिटिंग, वह बैठा था, विथ हिज आईज फिक्स्ड ऑन द बास्केट, अपनी टोकरी पर अपनी निगाह गड़ाए हुए। हिज थॉट्स वेयर फार अवे, और उसके विचार दूर थे, यद्यपि वह अपनी निगाह को टोकरी पर गड़ाए था, लेकिन उसके मन में जो विचार उठ रहे थे वह इधर उधर उड़ रहे थे हवा में। अनोंगली अनचाहे रूप से ही बिगन टू टॉक अलाउड, वह जोर से बात करना शुरू किया एंड फ्रूट सेलर नेक्स्ट डोर, और एक जो फल विक्रेता अगले दरवाजे पर बैठा था, लिसन टू हिम, उसकी बात को सुना विथ ग्रेट इंटरेस्ट, बहुत अच्छी रुचि के साथ, बहुत अच्छे विचार से, बहुत अच्छे हृदय से, बहुत अच्छे मन से, रुचि से उसकी बात को सुना। दिस बास्केट, यह टोकरी, एलाउंसर ने स्वयं से कहा,
रामचर ने स्वयं से कहा कि दिस बास्केट हैज कॉस्ट मी 100 रन्स बस, तो यह टोकरी तो 100 मुद्रा रखती है, 100 मुद्रे की इसकी कीमत। नाउ सेलिंग द कंटेंट्स पीस बाई पीस, अब इसे टुकड़े टुकड़े में बेचना है। आई सेल टर्न इट इन टू 200 और मैं इसे 200 में बदल दूंगा। 100 मुद्रा की कीमत टोकरी में लगाया उसने सामान की, और उसने यह सोचा कि अब मैं इसे धीरे धीरे इसका दुगुना कर दूंगा। फर्दर आगे दे विल मेक अप 400 और इसका चौगुना कर दूंगा। अगले पर इसके क्या कर दूंगा, इसका चौगुना 400। एंड सोन और जल्दी ही शीघ्र ही दे विल ग्रो इनटू 4000 रेंचर्स और यह जल्दी ही 4000 स्वर्ण चांदी के सिक्के में बदल जाएगा। फन आई वुड हैव 10000 रेंचर्स, जब मेरे पास 10000 मुद्राएं हो जाएंगी। आई विल गिव अप ग्लास ट्रेड, तो मैं एक कांच का व्यापार करूँ खरीदूँगा। गिव अप ग्लास ट्रेड, तो मैं इस ग्लास का जो ट्रेड है इसको त्याग दूंगा। एंड बिकम ए ज्वेलर, और मैं एक क्या बन जाऊंगा, स्वर्ण बेचने वाला व्यापारी, सोने का व्यापारी बन जाऊंगा। आई विल ट्रेड पर्ल्स, और तब मैं पर्ल्स मीन्स होता है मोती, मोती का व्यापार करूंगा, डायमंड्स हीरो का व्यापार करूंगा। एंड अदर प्रेसस स्टोन्स, और अन्य मूल्यवान पत्थरों का व्यापार करूंगा। इसके बाद मैं जब सोने चांदी का विक्रेता बन जाऊंगा तो क्या क्या बेचूंगा, मैं मोतियों को बेचूंगा, मैं हीरे जवाहरात को बेचूंगा, और मूल बहुत 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 मूल्यवान पत्थरों का व्यापार करूंगा। एट लास्ट, अंत में आई विल हैव ऑल द वेल्थ, और मेरे पास वह सब कुछ धन हो जाएगा। आई डिजायर, जिसकी मुझे इच्छा है। एंड आई विल बाई ए ह्यूज पैलेस फॉर माई सेल्फ, और तब मैं अपने स्वयं निजी बास निवास करने के लिए मेरे पास एक तो मैं एक बहुत भारी महल खरीदूंगा। आई सेल हैव हॉर्सेज, मेरे पास घोड़े होंगे। एंड स्लेव्स, गुलाम दास होंगे, नौकर चाकर होंगे। एंड आई सेल बी मेरी इन माई लाइफ, और तब मैं अपने जीवन में प्रसन्न रहूँगा, मेरी मन खुश रहना प्रसन्न रहूँगा। आई सेल रिक्वेस्ट फॉर द वजीर्स डॉटर्स हैंड इन मैरिज, और तब मैं अपने वजीर के की पुत्री के हाथ को विवाह के लिए मांगूंगा, प्रार्थना करूंगा अपने वजीर से कि आप अपनी पुत्री की शादी मेरे साथ कर दें। देखिए नियम ये कहता है ना कि एक साथ दो एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, या इसका प्रयोग गलत है, इसको ऐसा होना चाहिए कि द हैंड ऑफ वजीर्स डॉटर, द हैंड ऑफ माई वजीर्स डॉटर, वजीर्स डॉटर, ऐसा होना, दो एपोस्ट्रोफी का भी प्रयोग नहीं लाई जाना चाहिए, या गलत लिखा गया है। यह होना चाहिए था द हैंड ऑफ वजीर्स डॉटर इन मैरिज, मैं शादी के लिए अपने वजीर की पुत्री का हाथ मांगूंगा, अर्थात वजीर से प्रार्थना करूंगा आप अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दें। आई सेल आई विल सीज हिम बाय द बियर्ड, और तब मैं दाढ़ी और अपने क्या नाम सब सब व्यापार आई विल सीज हिम बाय द बियर्ड, और तब मैं अपनी दाढ़ी एंड ड्रैग हिम टू माई हाउस,
और तब मैं अपने घर पर एक ड्रैग का इंतजाम करूँगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, फैन आई सेल हाई मैरिड हिज डॉटर, और जब मैं उसकी पुत्री से शादी करूँ कर चुका हूँगा, आई सेल गिव हर 10 ऑफ द बेस्ट सर्वेंट्स, तब मैं उसे सबसे अच्छे अच्छे 10 नौकरों को उसके लिए रख दूंगा। शादी भवन की, शादी कहाँ हुई इसकी, लेकिन देखिए अपने मन में कल्पना कर रहा है। बेस्ट क्लॉथ्स इन सिल्क और रेशम के सबसे अच्छे कपड़े रखूंगा एंड ए वेरी ह्यूज रूम टू स्टे, और ठहराव के लिए, रुकने के लिए, रहने के लिए बहुत भारी कमरे का इंतजाम करूंगा। आई शैल पुट ऑन माई गॉर्जियस रॉब्स, और मैं बहुत महंगी कीमते लिबास पहनूंगा एंड माउंट ऑन ए हॉर्स विथ ए सैडल ऑफ फाइन गोल्ड, और सुंदर सुंदर सोने की काठी के साथ बढ़िया बढ़िया ऊंचे ऊंचे घोड़े रखूंगा। माउंट माने पर्वत होता है, इसका यह अर्थ हो गया कि बहुत भीम जाइंट हॉर्स, बड़े बड़े घोड़े जिस पर किसकी काठी होगी, सैडल माने होता है काठी उतना स्लेव सैल फॉलो, और दासों की मेरी सेना मेरा नज़दीक से अनुसरण करेगी, मेरे साथ मेरी सेवा करेगी, अर्थात दासों की जो टुकड़ी होगी वह हमेशा मेरे साथ रहेगी, मेरी सेवा करेगी। आई शैल रीच द पैलेस ऑफ द वजीर, और मैं वजीर के राजमहल पर पहुंचूंगा एंड ही शैल कम हिमसेल्फ टू रिसीव मी, और वह खुद चलकर मेरे पास मेरा स्वागत करने आएगा। ही विल गिव मी हिज सीट, वह मुझे अपना आसन देगा, अपनी जगह देगा, अर्थात मुझे अपने जगह पर बैठाएगा। एंड विल प्लेस हिमसेल्फ बिलो मी, और वह मेरे नीचे बैठेगा, खुद मेरे नीचे बैठ जाएगा, मैं ऊपर बैठूंगा उसकी जगह पर, और वह मेरे पैरों के पास नीचे ज़मीन पर बैठेगा। एंड आई विल हैंड ओवर द 1000 गोल्ड कॉइंस, और मैं 1000 सोने के सिक्के उसको दूंगा, दैट आई प्रोमिस्ड हिम इन द मैरिज, जिसे मैं शादी में देने का वादा किया था। आई शैल ऑल्सो गिव हिम अनदर 1000 गोल्ड कॉइंस, और मैं उसे फिर दूसरा 100 सोने के सिक्के दूंगा, सो दैट ही रिमेंबर्स माई जनरसिटी, ताकि वह मेरी उदारता को याद करे, एंड व्हेन द वर्ल्ड वुड हियर अबाउट, और जब संसार इसके बारे में सुनेगा, पीपल विल टॉक अबाउट नथिंग एल्स, लोग कुछ भी नहीं इसके बारे में बातचीत करेंगे। आई शैल गो बैक टू माई पैलेस विथ द सेम पॉम्प एंड शो, और मैं उसी तरह उसी सारे शौकत के साथ अपने राजमहल में वापस लौटूंगा। एंड सो एज आई केम, और जब मैं आऊँगा, आई शैल ऑलवेज बी ड्रेस्ड इन ए वे, और मैं पुनः हमेशा अच्छे अच्छे ड्रेस में रहूँगा, दैट बिफिट्स माई पोजिशन, जो मेरी गौरव को, मेरी शान शौकत को बढ़ाएगा। इन द इवनिंग शाम को व्हेन माई वाइफ वेलकम टू मी, शाम को जब मेरी पत्नी मेरे पास आएगी, तो आई शैल नॉट पे एनी अटेंशन टू हर, तो मैं उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दूंगा, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दूंगा, उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। एंड देन द नेक्स्ट मॉर्निंग, और तब अगली सुबह, सी विल बी एंग्जस, वह चिंता तुर होगी, वह उसे चिंता हो जाएगी, एंड टेल हर मदर अबाउट द सेम, और वह अपनी माता से बताएगी इस बारे में कि मैं बहुत शांत शौकत से रहता हूँ, बोलता नहीं हूँ।
द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह हर मदर विल कम, उसकी माता आएगी एंड किस माई रिंग एडोर्ड हैंड्स, और मेरी जो अंगूठी है माई रिंग एडोर्ड हैंड्स, और बहुत ही अच्छे ढंग से मेरी अंगूठी का चुंबन करेगी एंड बेग मी टू ट्रीट हर डॉटर विथ रिस्पेक्ट, और तब वह अपनी पुत्री से के साथ अच्छे व्यवहार करने के लिए मुझसे प्रार्थना करेगी। आई शैल किक हर, तब मैं उसे पैर से मारूंगा एंड टेल हर टू माइंड हर ओन बिजनेस, और उसे अपने बिजनेस के बारे में याद दिलाऊंगा। द फ्रूट सेलर सडनली बिगन टू लाफ हिस्टेरिकली, तो वह जो क्या नाम था फल का विक्रेता अचानक जोर जोर से हंसने लगा, उपहास के रूप में हंसने लगा, एंड दिस ब्रोक एलाउंसर्स थॉट्स, और एलाउंसर्स के विचार को उसकी इस हंसी ने खंडित कर दिया, उसका ध्यान टूट गया, ध्यान तंद्रा टूट गई। ही रियलाइज, उसने महसूस किया कि ही हैड किक्ड हिज बास्केट फुल ऑफ ग्लासवेयर, जो ग्लासवेयर से भरी हुई टोकरी को वह ठोकर से मार दिया है। दैट ले सैटर्ड ऑन द ग्राउंड, और जो जमीन पर बिखरी पड़ी हुई है। चिल्ड्रन लिसन टू मी अटेंटिवली, यू विल लर्न द वर्ल्ड हेल्प वर्ड्स।